Hey my beautiful family, assalamu alaikum, welcome back to my channel, welcome to another new vlog. I hope you all guys are doing well. Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. So अभी हम जा रहे हैं माल रोड, और जिस किसी ने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा मैं उनको बताती चलूँ कि आज है हमारा सेकेंड डे इन मरी, और मैं और मेरे हस्बैंड हम माल रोड जा रहे हैं. हमने सोचा कि चलें माल रोड जाया जाए, क्योंकि हम पहले माल रोड नहीं गए थे, हम नथिया गली गए थे. और नथिया गली का व्लॉग मैं ऊपर उसका लिंक दे दूंगी, आप लेफ्ट या राइट पे उसके लिंक होगा तो आप जाकर उस व्लॉग को भी देख सकते हैं. सो हमें लग रहा था कि माल रोड पे इतना रश नहीं होगा, क्योंकि हम वीकेंड पे नहीं गए थे, हम वर्किंग डेज़ पे गए थे. तो यकीन करें माल रोड पे इतना रश था और शॉप्स वगैरह खुली हुई थी. और इस टाइम हम आए थे शॉप पे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए. वैसे ही हमें लगा कि ना मूसा के लिए और ईसा के लिए कोई टॉयज़ वगैरह ले लिए जाएँ, तो मूसा के लिए हमने गाड़ियाँ वगैरह ले ली. और बस मूसा के लिए उनको मोहसिन को एक ड्रेस पसंद आया था, तो मोहसिन का चले हम ये भी ले लेते हैं, क्योंकि मरी आए और ये छोटे छोटे जो होते हैं गिफ्ट्स होते हैं. और अभी हम उनसे बात कर रहे थे, और यहाँ मुझे कैप्स भी मिली जो टोपियाँ होती हैं कश्मीरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनको कश्मीरी टोपियाँ कहते हैं, या फिर आई डोंट नो ये कौन सी टोपियाँ होती हैं, ये सराय की. लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा दिल भी था लेने का, लेकिन इसमें ब्लैक कलर में नहीं थी, ग्रे थी और ग्रीनिश कलर में थी, सो मैंने नहीं ली. और उसके बाद फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे, वहाँ से हमने कैप शॉल ली आंटी के लिए, मौसम को पसंद आ गई थी, मुझे भी बहुत पसंद आई थी. फिर उसके बाद हम जा रहे थे, हमने कहा कि ना चलें अब छोटा मोटा कुछ खा लिया जाए, बहुत भूख भी लग रही थी. इवन कि हमने खाना खाया हुआ था, लेकिन खाना हमने जल्दी खा लिया था, और आपको पता है माल रोड पे चलते चलते इंसान को भूख लगना शुरू हो जाती है, और वहाँ इतने मज़े मज़े की खाने की शॉप्स थी. हाथ के साथ साथ शॉपर भी लटके हुए मेरे हाथ में. शॉपिंग है ना, शॉपिंग. बलूचिस्तान हाँ, इसीलिए तो इतना रश. मैं भी कहूँगी क्या है, इतने बच्चे बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे. जर्सी खाने के लिए जाने क्या लेना है, कुछ भी कर ले. क्या कहते हैं है? तो अभी हम मोहसिन फर्स्ट टाइम यहाँ माल रोड पे हम लोग ट्राई करने लगे थे पान, और ये कह रहे थे कि ये सिंपल पान है, मसाले वाला पान नहीं है. तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि आपसे पहले मैंने पान कभी भी नहीं खाया हुआ, और मैंने कहा चलें आप पहले खाएं, अगर तो आपने खा लिया ये टेस्टी हुआ तो देन मैं खाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊंगी. लेकिन मौसी ने ऑर्डर कर लिया था दो ही, और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा ना मैं नहीं खा सकती, आप ऐसा करें इसको पैक कर दें. मैं नहीं खा सकती, आप ही खाएँगे. एक शहर पर सारा मुंह में रखो ना, मुंह में रखो ना, आस्ता आस्ता चबाई जाए और कुछ नहीं होता, मीठा है. डोंट चू इट, जस्ट मुंह में रखो, मुंह में रखो. इतना पूरा मुंह में कैसे आया, आ जाएगा. उसके बाद मेरा दिल किया कि आइसक्रीम खाने का, मैंने मौसिन को कहा कि मुझे आइसक्रीम ले दे. मौसिन ने तो बहुत शोर किया कि आइसक्रीम गला ख़राब हो जाएगा, कॉफ़ी वगैरह ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं आइसक्रीम ही खाऊंगी, क्योंकि ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है. जी जी कितने की है, और
माल रोड और आइसक्रीम ना हो, इम्पॉसिबल। हम यहाँ अंदर गए और यहाँ डिफरेंट किस्म की गेम्स थी और स्विंग्स भी थे और एक्सरसाइज मशीन्स थी और मसाज मशीन्स थी। तो मुझसे ने कहा कि मैं मसाज करवाऊँगा, मसाज मशीन पे बैठूँगा। तो वहीं थोड़ी देर बाद ही एक भाई आए और उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि आप इस पे बैठें, और मैंने कहा मैं तो नहीं बैठूँगी भाई, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और उसके बाद फिर मैं आगे थोड़ी सी शॉप की ज्वेलरी भी थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था, कैमल बहुत अच्छा किस्म का डेकोर हुआ था, लाइटिंग थी, और ये थी मैं और ये मेरा आउटफिट। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। और यहाँ एक न्यूली वर्ड कपल आया हुआ था और वो बैठे और वो बेचारी लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। थैंक गॉड कि मैं नहीं बैठी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। हमने सोचा था कि वापसी पे हम KFC वगैरह ले लेंगे और बर्गर वगैरह ले लेंगे, लेकिन जब हम KFC पे गए तो KFC पे इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो मौसी ने कहा कि चलो यहाँ इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था। और हमने सोचा कि हम कोई पुलाव वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। और उसके बाद फाइनली हमें एक शॉप मिल गई जहाँ पुलाव वगैरह मिलता था, और वहाँ से हमने फिर पुलाव वगैरह ऑर्डर किया और चिकन पीसेस भी ऑर्डर कर लिए। और अभी हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का कि वो आए और फिर हम वापस जाएं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और इस टाइम मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि सुबह के टाइम हम नथिया गली भी गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा चले थे आज। और अभी हम जा रहे थे बस होटल, मिलते ही इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाई।